आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां फतेहपुर में अन्य मवेशियों की जोरदार टक्कर देखने को मिली है, जहां भिड़ंत को देखते हुए बाजार में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है, वहीं इस पूरे हादसे में लोग बाल बाल बचे हैं। हुसैनगंज थाना कस्बे के बाजार का ये मामला आपको बता रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पर जो आवारा पशु है उनका आतंक जारी है। फतेहपुर से पूरी खबर सामने आई है, जहां आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला है, जहां पर बाजार में दो जानवरों के बीच में भिड़ंत देखी गई, जहां पर लोगों की जान पर बनाई। आपको बता दें कि लोगों की वहां पर भारी भीड़ थी और बाल बाल लोग जो है वहां बचे हैं। हुसैनगंज थाना कस्बे के बाजार का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच फतेहपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर रफ्तार का कहर आज देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार विक्रम ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है, गंभीर रूप से घायल हुआ है बाइक सवार युवक। फिलहाल युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के देवरी मोड़ की ये पूरी घटना आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां पर आज सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक बेकाबू विक्रम ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक जो बाइक सवार था वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फतेहपुर में रफ्तार का कहर आज देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार विक्रम ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में बाइक सवार जो है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के देवरी मोड़ के पास की पूरी घटना आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर फतेहपुर में देखने को मिला है। पूरी घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फतेहपुर संवाददाता अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमरदीप, आज फतेहपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, एक टेम्पो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी मामला बिल्कुल सही है कि ये फतेहपुर जनपद में कितने भी जो है प्रशासन लाख प्रयास कर ले या रोड एनएचआई वाले प्रयास कर ले, पर ये जो रफ्तार का कहर है वो थम नहीं पा रहा है, जिसके चलते आज एक क्षेत्र में जो है एक बाइक सवार को तेज रफ्तार विक्रम ने टक्कर मार दी है और टक्कर मारने के बाद विक्रम चालक फरार हो गया है। पर वहीं पर जब घायल अवस्था में ग्रामीणों ने इस व्यक्ति को युवक को देखा तो उन्होंने एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, पर उसकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभी तक का पूरा मामला यही निकल कर आ रहा है, पर यह नहीं पता चल पा रहा कि आखिरकार वो युवक किस गांव का रहने वाला था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फतेहपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर अनियंत्रित टेम्पो चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। और इसी बीच लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा लखीमपुर खीरी में देखने को मिला है, जहां पर खड़े ट्रक से एक टूरिस्ट बस देर रात टकरा गई। आपको बता दें कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिमाचल से नेपाल जा रही थी टूरिस्ट बस, जिसके बाद वो हादसे का शिकार हो गई है। ईशानगर कोतवाली क्षेत्र के पास की ये पूरी घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखीमपुर खीरी में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि कम विजिबिलिटी के कारण ये भीषण हादसा देखने को मिला है, जहां खड़े ट्रक से एक टूरिस्ट बस टकरा गई है। आपको बता दें कि देर रात ये पूरा मामला हुआ है, जहां हादसे में तीन लोगों की मौत की खबर मिल पा रही है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।